अपने जेसीबी जितना काम भी करेगी या नहीं करेगी। सर आपके सामने है, आप ये पूरी मशीन देख सकते हो, इसका जो बैकहो लोडर है, अच्छा आगे का फ्रंट है। जेसीबी फोर व्हील ड्राइव में आती है, वो बड़ी महंगी आती है, फोर व्हील ड्राइव में आपको ट्रैक्टर के ऊपर हमने लगा के दी है। अच्छा जी। और काफी सस्ती पड़ती है जेसीबी से। अच्छा जी। और अच्छा। तो ये जेसीबी जो जॉन डीयर पे आपकी जो ट्रॉली भरने लग रही है, आपने कैसी लगी है, मतलब अच्छी लगी या कैसी लगी? अच्छी लगी। आपने 200 बार का प्रेशर आता है। जी जी। और आप इसका अगर बैको देखोगे तो उसमें भी उतना ही प्रेशर, ये प्रेशर के साथ ये काम कर रही है। अच्छा। 13 फीट के करीब की इसकी खुदाई की डिगिंग की कैपेसिटी है और आप देख सकते हो स्पीड का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ में भाई। तो आज की जो वीडियो बनाने लग रहे हैं, 5310 CRDI ट्रैक्टर है भाई, इसके ऊपर जेसीबी लगाई है, तो इसका टेस्ट करके देखते हैं भाई कहीं से लीकेज पिकेज तो नहीं है। जॉन डीयर की जो एजेंसी है भिवानी अंकुर ऑटोमोबाइल, उस पर जो है ये लगाई है और इसकी टेस्टिंग लेकर के देखेंगे भाई। इसका कहने का मतलब ये डेमो लेकर के देखेंगे, चला करके देखेंगे भाई कैसी चल रही है कैसी नहीं। और कंपनी वाले बंदे भी साथ में हैं, तो एक बार इसको मतलब खुली जगह पे ले चलते हैं जहाँ पे इसकी टेस्टिंग हो जाए। जॉन डीयर CRDI 5310 के ऊपर जो है ये लगाई है, 4x4 ट्रैक्टर है, तो देखते हैं भाई कैसी चलती है, डेमो लेकर के देखते हैं इसका। फोर बाई फोर ला ले, 4x4 लगा। त्रेपन दस CRDI ट्रैक्टर पे लगाइए भाई ये, मैं फिर बता दूं एक बार। बिल्कुल ब्रांड न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू है भाई, बिल्कुल। जीरो RPM पे चल रहा है तो शायद 500-700 है। इधर चल रहा है विकास भाटी, RPM 1500 RPM पे बोलो चलाने के लिए। ये देखो भाई, और ये जो फैक्ट्री के अंदर जानी है ये जेसीबी, जो कपड़ा कपड़े की काम करता है ना, उस बोलो कपड़े की जो फैक्ट्री उसके अंदर जानी है ये कपड़े वगैरह की। तो ये देखो आप एक बार यूज करके देख रहे हैं इसको कैसे चल रही है कैसे नहीं। तो पहले तो भाई 800 RPM में चल रही थी, बिल्कुल जो कंपनी रेटेड आते हैं RPM, और अब 1500 RPM कितने कर दिए RPM है विकास है? RPM 1500 RPM पे है भाई। आप ये देख लो आप, और ये एजेंसी में जो है लगवाई थी, मतलब खुद कंपनी वाले एजेंसी में आए थे लगाने के लिए, आते हैं। ये देखो भाई बिल्कुल जेसीबी, मतलब जेसीबी से भी कुछ ना कुछ लगाया भी है। ये देखो RPM दिखा देता हूँ मैं भाई आपको एक बार, एक सीट ये और एक ये है।
MX कंपनी की है भाई ये, ब्रांड न्यू देख लो आप। ये देखो ट्रॉली बनने लग रही है, अपने जो डीलरशिप पर आए हैं ये लगाने के लिए। हाँ डीलरशिप पे है। ये देखो डेमो देने लग रहे थे और एक बार डीलर से बातचीत और कर लेते हैं। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया, हम तो बढ़िया, आप बताओ सर। बहुत बढ़िया जी। अच्छा ये मतलब हर चीज का डेमो क्यों देते हो आप? डेमो भी है और ट्रायल भी है सर। ये अभी हमने जो जॉन डियर का नया 5300 ट्रैक्टर है CRDI इंजन में जी, ये हिंदुस्तान का सबसे एडवांस ट्रैक्टर है। CRDI इंजन है। अच्छा जी। और पावर रिवर्सल गियर के साथ। अच्छा अच्छा साथ है। अच्छा तो मतलब इस पे जेसीबी बनवा दिया आपने? जेसीबी जितना काम भी करेगी या नहीं करेगी? सर आपके सामने है, आप ये पूरी मशीन देख सकते हो। इसका जो बैकहो लोडर है, अच्छा आगे का फ्रंट है। जेसीबी फोर व्हील ड्राइव में आती है वो बड़ी महंगी आती है, फोर व्हील ड्राइव में आपको ट्रैक्टर के ऊपर हमने लगा के दी है। अच्छा जी। और काफी सस्ती पड़ती है जेसीबी से। अच्छा जी। और प्लस में जो काम है वो जेसीबी के बराबर और या जेसीबी से आप कह सकते हो ये ज्यादा ही करती है। अच्छा। अगर आप इसकी पावर की बात करते हो तो जेसीबी में तकरीबन 200 बार का प्रेशर आता है। जी जी। और आप इसका अगर बैको देखोगे तो उसमें भी उतना ही प्रेशर, ये प्रेशर के साथ ये काम कर रही है। अच्छा। 13 फीट के करीब की इसकी खुदाई की डिगिंग की कैपेसिटी है और आप देख सकते हो स्पीड का और का किसी भी एंगल में जेसीबी से कम नहीं है। प्लस में इसका बेनिफिट ये है कि जेसीबी तकरीबन 6.5 लीटर तेल एक घंटे का खाती है। अच्छा। ये तकरीबन 3.5-4 लीटर तेल में आपका काम कर देगी। फिर इसमें तो फायदा है सर? बहुत फायदा है। अच्छा। जो भी भाई खेत में या कोई भी मिट्टी का काम या कोई और ठेकेदारी का या कोई ईंट का भट्टा कोई आदमी चला रहा है उसको जेसीबी जो है तो वो ये ले सकता है। अच्छा। इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो आप ये चला करके क्यों देख रहे हो इसको एक बार? ये अभी हमने अपनी डीलरशिप पे बनाई है। अच्छा जी। और ये एक्चुअल में MX कंपनी की है। जी जी। ये कंपनी हमने पूरी मशीन हमारी डीलरशिप पे भेजी थी और अभी हमने ट्रैक्टर पे इसको इंस्टॉल किया है। अच्छा जी। और एक बार इसकी टेस्टिंग ले रहे हैं। जी जी। ये कैसी चल रही है? जी जी। तो भाई ये देख लो, टेस्टिंग ले रहे हैं इसकी। और यहाँ पे कुछ लोग भी थे जैसे कि यहाँ पे भैया लगा रखे हैं रेत वाला, तो इन किसान मान लो आप, ये भाई अपने घर पे जो है रेत ले जा रहे हैं और इनसे बातचीत करते हैं एक बार। राम राम जी। राम राम जी। तो एक बार अपना गांव का नाम बता दो और आपका नाम बता, मतलब परिचय करा दो जी आपका। गांव का नाम है अलवास। आपका नाम क्या है जी? काड़ा। आपका जी क्या गांव है और क्या नाम? जाटुलवारी। अच्छा। तो जैसे कि बर्फ का काम करते हो क्या? अच्छा। तो ये जेसीबी जो जॉन डियर पे आपकी जो ट्रॉली भरने लग रही है, आपने कैसी लगी है, मतलब अच्छी लगी या कैसी लगी? अच्छी। अच्छी लगी आपने जी? जैसे कि जेसीबी से मतलब आधे रुपए में आती है, मतलब कुछ ना कुछ रुपए बचते हैं किसान के, और डीलर भी यहीं पे खड़े हैं, रेट भी बता देंगे आपने, मतलब कैसी लगी और क्या राय देना चाहोगे किसानों को, मतलब जो काम करना चाहते हैं इसके बारे में? बढ़िया है। बढ़िया है। तो भाई आगे वाला लोडर और एक बार टेस्ट करके देख रहे हैं इसका, कहीं से लीकेज पकीज तो नहीं है, कहीं से लीक तो नहीं है। वैसे तो आगे कॉटन वाला बॉकेट है भाई, कॉटन का जो काम करना है, पर एक बार ट्राई करके देख रहे हैं। भाई बताना कमेंट करके जेसीबी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी। तो यही था भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।